नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज का, पेंटियम 1 टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। इस कोविड-19 के दौरान आपकी कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की जा रही है और आपके सिलेबस से संबंधित अध्यापन का कार्य पूरी तरह से इसी मोड पे चल रहा है। ये समय हमारे लिए, हम सबके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि ये ऐसा दौर है जब यहाँ के प्रवासी, यहाँ के जो निवासी थे, दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्यों में गए हुए थे कार्य करने के लिए, वो या उनके आने का सिलसिला जारी है, तो हमें थोड़ा सा उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में 4-4 केस हमारे रीवा जिले में सामने आ चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखें, और आपके गांव में अगर कोई भी ऐसा केस आता है, बाहरी प्रवासी आते हैं, तो उनको आप सलाह दीजिए वो घर से बाहर कहीं क्वारंटाइन सेंटर जहां बनाया गया हो आपके गांव में, कोई स्कूल या ऐसी जगह जहां शासन द्वारा निर्धारित किया गया हो क्षेत्र, उस क्षेत्र में ही रहे लगभग 14-15 दिनों तक, जिससे उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, उनका गांव सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं, आपका सब्जेक्ट समाज कार्य महिलाओं एवं बच्चों के साथ से संबंधित है। आज का टॉपिक प्रोग्राम्स फॉर वुमन वेलफेयर इन इंडिया, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम, भारत में जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है महिलाओं के कल्याण के लिए, यानी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं या योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं शासन द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो उन्हीं में से कुछ योजनाओं के बारे में आज से आप चर्चा करेंगे। जैसे उन योजनाओं में पहली योजना है हेल्थ एंड मैटरनिटी सर्विसेज फॉर वुमेन, यानी स्वास्थ्य और मातृत्व योजनाएं महिलाओं के लिए। दूसरी योजना है महिला मंडल्स। तीसरी है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके पश्चात है वोकेशनल ट्रेनिंग महिलाओं के लिए। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, यानी कामकाजी महिलाओं के लिए रहने के लिए व्यवस्था, जो अपने सिटी से दूर, घर परिवार से दूर, अकेले रहकर या तो पढ़ाई कर रही हैं, या तो कहीं काम कर रही हैं, कोई प्रशिक्षण ले रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए सुविधा दी जाती है। तत्पश्चात है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को समाज में अच्छा रुतबा मिल सके या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, ताकि उनकी निर्भरता दूसरों पे या पुरुषों पे कम हो सके, वो अपने आप को, अपने महिला समाज को आत्मनिर्भर बना सके, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो शोषण होता है, अत्याचार होता है, वो कम हो सके। तो ठीक है, पहली योजना कौन सी है? हेल्थ एंड सर्विसेज, हेल्थ एंड मैटरनिटी सर्विसेज। ये योजना महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य और मातृत्व सुरक्षा के लिए चलाई जाती है। इस सुविधा के माध्यम से बच्चे छोटे जो होते हैं, किशोरियां या गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं, उनको ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं हेल्थ एंड मैटरनिटी सर्विसेज। इस योजना के माध्यम से जो गर्भवती महिला होती है, उसके गर्भधारण से लेकर उसके प्रसव तक, उसके स्वास्थ्य संबंधी, पोषण आहार संबंधी हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें निःशुल्क शासन द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें यह कोशिश की जाती है जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हों। इस पूरे प्रसव या गर्भावस्था के दौरान महिला का 4 बार कम से कम चेकअप होना जरूरी होता है, जो कि एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या गांव में आशा कार्यकर्ता हो, उसके माध्यम से किया जाना चाहिए।
और उसके पोषक आहार पोषक तत्वों की जानकारी भी इसी के माध्यम से उसे दी जाती है। उसे प्रसवावस्था के दौरान क्या खाना है, कौन कौन सी चीजों को लेना है, कौन कौन सी चीजों को नहीं लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे उसको चलना है, उठना है, बैठना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने, इन सारी चीजों की जानकारी इस योजना के माध्यम से दी जाती है। अगली योजना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा का तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा जो या जिसकी एक निश्चित क्रियाविधि होती है। ऐसी शिक्षा को हम किसी संस्था में जाकर रेगुलरली पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप स्कूल में गए, स्कूल के बाद आप कॉलेज में आए, यहां पे आप नियमित क्लास जाते हो, शिक्षक आपको क्लास में आते हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, ये क्या होती है, नियमित कक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें निर्धारित होता है आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ना है, इस पाठ्यक्रम में इतने पेपर होंगे, इन सारे पेपर के आपको कंप्लीट होने के बाद पेपर परीक्षा देनी है और फिर आपको पास आउट होना है। इन सभी चीजें यहां पर निर्धारित होती है, ये पूरा पाठ्यक्रम आपके पास बना बनाया होता है। लेकिन जो अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, ये ऐसी महिलाओं के लिए चलाया गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए चलाया गया है जो रेगुलर जाके अध्ययन का कार्य नहीं कर सकते, घर में रहकर अपना अध्यापन कार्य करा सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से, खुले स्कूलों के माध्यम से एडमिशन लेके वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वहां उन्हें रेगुलर जाने की जरूरत नहीं होती है, ना तो उन्हें रेगुलर टीचर ही पढ़ाते हैं क्लास में बैठाकर, या तो वो रेडियो टेलीविजन के माध्यम से अपना स्टडी प्राप्त करते हैं, या उन खुले विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों में जाकर वहां से स्टडी मटेरियल प्राप्त करते हैं और उसका खुद ही अध्ययन करते हैं, या उन्हें प्रशिक्षण बीच बीच में किसी ऐसे संस्थानों द्वारा दिया जाता है विशेष रूप से। तो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके पश्चात है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके पश्चात आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके गुणों को विकास करने के लिए, उनको उनके अंदर जो गुण है उनको निखारने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत 1975 में की गई। फिर आता है महिला मंडल्स, जिसकी शुरुआत 1961 से हुई थी, 1961 और 62 के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसे क्षेत्रों में जहां पर महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर कार्य करने वाले संस्थान नहीं है, कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं होते, उन जगहों पर महिला मंडल की स्थापना की गई या ऐसे संगठन बनाए गए और उन्हें 75% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता था, या तो फिर 25 जिसका रेशियो है 75% जो फंड है वो संस्था को स्वयं लगाना पड़ता था, महिला मंडल संस्था को, और 75% का जो फंड है वो शासन देती थी। तो चूंकि यह विकेंद्रीकृत योजना है, इसलिए पूर्ण रूप से 75% का जो फंड है वो राज्य शासन के अधीन है और वो राज्य शासन ने प्रोवाइड करती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स।
वर्किंग वुमेन हॉस्टल कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह इसकी शुरुआत की गई थी 1972 और 78 के समय। यह सुविधा उन महिलाओं के लिए दी गई जो अपने सिटी से बाहर या अपने परिवार से बाहर अध्ययन के लिए गई हैं, या किसी संस्था में कार्य करती हैं और अकेले रहती हैं अन्य सिटी में। उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस सुविधा की व्यवस्था की गई वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। इसके साथ तहत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता था ताकि वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कर सके और वहां पे ऐसी महिलाओं को रख सके जो वहां पर रहकर इन हॉस्टलों में रहकर अपना कार्य निर्भीकता पूर्वक कर सके। इसी वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से ही उनके परिवहन की आने जाने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके पश्चात आता है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम सोशियो यानी सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक योजनाएं। इन योजनाओं के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना की जाती है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से उन्हें कुटीर उद्योग, दुग्ध उद्योग, डेयरी उद्योग आदि चलाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन अच्छा बन सके, वो अपने आप को निर्भर आत्मनिर्भर बना सके। तो ये था आज के लिए प्रोग्राम्स फॉर वुमन वेलफेयर इन इंडिया। हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।